दो इस सुंदर समय के लिए कि से हमें इस विशेष दिन में, जबकि आज मंडे थर्सडे है और परमेश्वर ने उन बातों को सिखाया है जो बातें जो प्रभु भोज वो जो उसने प्रभु भोज के विषय में हमें आज के दिन में बताया, फीड वॉशिंग के विषय में हमें बताया कि किस प्रकार से प्रभु ने गुरु होकर भी अपने चेलों के पैर धोए। आज एक बहुत विशेष दिन है मेरे प्रियो, इस विशेष दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने ये अवसर दिया कि हम इस विशेष दिन को देख सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदा के वचन पर मनन करने के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, प्यार के लिए, दया के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए प्रभु, कि आपने हमें अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और जब जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन होते हैं प्रभु, सबको आशीष और बरकत दीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसका 16वां पद कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि ताकि तुम जाकर फल लाओ। प्रेज द लॉर्ड। और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुमने मुझे, यानी मैंने और आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है और हमें इस बात के लिए ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। मेरे और आपके जीवन से जो कुछ हम परमेश्वर से सीखेंगे, जो परमेश्वर के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो मेरे प्रिय वचन कहता है कि तुम जाकर फल लाओ। मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर की बताई हुई बातें, परमेश्वर के कार्य हमें क्या करने दिखाई देने चाहिए और उसका जो फल है, उसके जो फल है वो मेरे और आपके जीवन में बना रहना चाहिए। लिखा है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ, आज हम किसके नाम से मांगते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर पिता के सम्मुख उसके बेटे यीशु मसीह के नाम से किसी बात को मांगते? वचन कह रहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे परमेश्वर पिता से वो तुम्हें देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम दिल से मन से परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ उसके चरणों में आकर के और विश्वास के साथ जब हम उससे प्रार्थना और विनती करते हैं, जब कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमको देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कह रहा है यूहन्ना के अंदर कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? उसने 12 लोगों को चुना था। किसको? 12 शिष्यों को चुना था। तो भी तुम में से एक क्या है? एक व्यक्ति शैतान है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। हालेलुया। और वचन कहता है दूसरा तिमोथियस उसका 3:15 पद कहता है, और बालकपन से, क्या चीज? बालकपन से, यानी छुटपन से, छोटेपन से, बालक बचपने से तुम्हारा पवित्र शास्त्र जो है जाना हुआ है। मेरे प्रियो, आज हम मसीह भाई बहनों के परिवारों में, घरों में और क्या हो रहा है कि हम पवित्र शास्त्र के बारे में हम जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जो मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है, क्या जो परमेश्वर का वचन है वो किस पे विश्वास करना है? प्रेज द लॉर्ड। किस पे विश्वास करना है? मसीह परमेश्वर पर विश्वास करने से हमारा क्या, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या होगा? हमारा उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मुझे और आपको क्या बनाता है? बुद्धिमान बनाता है। क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धि क्या करता है? हम बुद्धि मांगने से क्या करता है? वो हमें बिना उलाने बुद्धि देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता जिन्हें मैंने चुन लिया है, जिन्हें मैंने चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। जिन्हें मैंने चुन लिया है
उन्हें मैं जानता हूँ। परमेश्वर मुझे और आपको भी जानता है, उसने मेरा और आपका क्या किया, चुनाव किया है। ऐसे ही नहीं हम मसीह धर्म में आ गए, ऐसे ही नहीं हम प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे, क्योंकि बचपन से जब हम माँ के गर्भ में थे तभी से उसने हम पर क्या लगाया, चित्त लगाया। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और उन्हें मैं जानता भी जिन्हें मैंने चुना है, परंतु इसलिए कि पवित्र शास्त्र का वो वचन पूरा हो। क्योंकि प्रभु के वचन में जो बातें लिखी हैं मेरे प्रियो, उन बातों का पूरा होना बहुत आवश्यक है। वो सब बातें पूरी होनी है। और लिखा है, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई है। और परमेश्वर के विरुद्ध क्या है, वो कहता है वचन कह रहा है कि जिसने मेरी रोटी खाई है उसने मेरे विरुद्ध लात भी उठाई है, यानी मेरे विरोध में काम किए हैं। यहुन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 19 पद कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार से प्रीति रखते, क्योंकि तुम अब संसार के नहीं हो। मैं और आप किसके नहीं हैं? हम मैं और आप मोल लेकर के खरीदे गए हैं। मैं और आप को खरीदा गया है मेरे प्रियो। किसने खरीदा है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा के और क्रूस पर चढ़ के अपना बलिदान देके उसने मुझे और आपको क्या लिया है, मोल खरीदा। और वो कह रहा है, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। किससे? क्योंकि मैं और आप संसार के नहीं है। हम लोगों को संसार की ओर अपने मन को नहीं लगाना है मेरे प्रियो। उसने मुझे और आपको एक काम दिया है। क्या काम दिया है, कभी इस बात को हमने जाना है? उसने कहा है कि तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। कितने लोगों को मेरे प्रियो हम लोग प्रचार करते हैं, कितने लोगों को हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, कितने लोगों को? क्या कभी हमने इस बात को अपने जीवन में देखा है? क्या इस बात को कभी गिना है कि कितने लोगों को हमने दिन भर में प्रचार किया या सुनाया? और मेरे प्रियो, दाऊद राजा कहते हैं भजन संहिता के अंदर, वो कहते हैं भजन संहिता 145:4 के अंदर, तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी तक होता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, चला जाएगा, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हम किसके? प्रभु परमेश्वर के हाथों के द्वारा हम क्या हुए, रचे गए, बनाए गए, और मसीह यीशु में हम भले कामों के लिए सृजे गए। हम ऐसे नहीं जीवन को व्यतीत करने के लिए आए, हम ऐसे नहीं अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए आए, ऐसे नहीं हम अपने जीवन को खाली बस आए संसार में रिश्ते बनाए, ये करा वो करा और सब चले गए, ऐसे नहीं है। उसने कहा है कि हम भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से मेरे और आपके लिए रख रखे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हमारे करने के लिए तैयार कर रखे। तो मेरे प्रियो, मैं और आप प्रभु का प्रचार करते रहें, प्रभु के विषय में लोगों को बताते रहें। हालेलुया। और वो कहता है पहला पत्र 3:2 के अंदर, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना माने। बहुत से लोग, वो कह रहा है परमेश्वर का वचन, पौलुस कहते हैं कि कोई अगर वचन नहीं मानता है तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन। अगर पत्नी का जो परमेश्वर में है वो अपने पति को विश्वास, उसको देखकर उसका पति काय में आ जाएगा, विश्वास में आ जाएगा। ऐसी अगर पत्नी विश्वास में नहीं है और पति को देख करके प्रार्थना करते हुए वचन को पढ़ते हुए, तो वो क्या करेगी, उसको उसके चाल चलन के द्वारा वो परमेश्वर की ओर खिंच जाएगी। और वचन ये कहता है, यहोवा ने मुझे गर्भ ही से चुना है, गर्भ ही से मुझे बुलाया। आज मैं और आप जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं मेरे प्रियो, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। मुझे और आपको गर्भ में, जब मैं और आप बन रहे थे तभी परमेश्वर ने मुझे मेरे और आप में चित्त लगाया। जब मैं माता के पेट में था तभी से उसने मेरा नाम बताया है। तब से ही जब वो माँ के गर्भ में था मैं,
तभी से परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या करा है, चुना है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा और आपका जीवन ऐसे नहीं है जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, 15:16 कहता है कि उसने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। मेरा और आपका चुनाव नहीं है, चुनाव किसका है, परमेश्वर का है। चुनाव परमेश्वर ने ही मुझे और आपको चुना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए। खुदा हम सबको अपना अब तक संभाला, इसके लिए धन्यवाद। जब आज विशेष दिन में प्रभु तूने अवसर दिया कि हम तेरी महिमा कर सकें, तेरी आराधना कर सकें और खुदावन तेरी बातों को हम सीख सकें, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, ऑफलाइन देखते हैं इसको और प्रभु यूट्यूब पर देखते हैं, सबको प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।